हेलो फ्रेंड्स, एसडी चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं नया वीडियो लेकर आई हूँ आपके पास। ये बहुत ही सुंदर जैकेट बनाई है। ये देखिए, पूरा जैकेट बनाया है और बहुत ही सुंदर है। अब मैं आपको इसका डिजाइन बताऊंगी, ये मैंने कैसे बनाया। ये देखिए, इसमें बॉर्डर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको बॉर्डर में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, आप नीचे से एकदम कटवर जैसा लगता है। इसमें हमने बॉर्डर नहीं बनाया है, इसी का बॉर्डर बना है और ये बहुत ही सुंदर बनी है। ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ इसको मैंने कैसे बनाया। यहाँ पर देखिए आप, ये मैंने 13 फंदे लिए हैं। यहाँ पर उल्टे 13 फंदे लिए हैं और एक फंदा सीधा है, यानी कि 14 फंदों की एक डिब्बी है। 14 14 का मल्टीप्लाई करके आप शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनाया। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये देखिए, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये मैंने फंदे डाल लिए हैं इसमें। अब जब हम बीच में 11 फंदे लेंगे तो आगे से हम 6 फंदे डालेंगे उल्टे। अगर हम 13 फंदे बीच में लेंगे तो यहाँ पर हम 7 फंदे उल्टे डाल लेंगे, एक फंदा सिलाई में आ जाएगा इस प्रकार से, और 6 फंदे हम यहाँ पर उल्टे ले लेंगे। तो मैं अब 10 फंदों की बना रही हूँ, तो यहाँ पर हम 6 फंदे लेंगे। इस प्रकार से शुरू करते हैं हम, पहले 2 4 और ये 6 फंदे हमने उल्टे बनाए, फिर एक फंदा यहाँ पर सीधा बनाएंगे। फिर आगे देखिए, यहाँ पर हम 11 फंदे लेंगे उल्टे हुए। यहाँ पर हमने 11 फंदे उल्टे लेने हैं, 2 3 4 8 9, ये 10 और ये 11। अब एक फंदा यहाँ पर सीधा आएगा, फिर ये देखिए एक फंदा सीधा आया, फिर दोबारा फिर 11 फंदे आएंगे। इस प्रकार से हमें नीचे से डिब्बी शुरू करनी है। हमने यहाँ पर 11 फंदे लेने हैं, 2 3 4, ये 11 फंदे हो गए हमारे, और एक फंदा हम यहाँ पर सीधा लेंगे। दोनों साइड में हमारे, ये देखिए यहाँ पर 6 फंदे लिए हैं तो इधर भी हमारे 6 फंदे आने चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम भी 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। आप डिब्बी शुरू करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे यहाँ भी 6 फंदे आने चाहिए। अब बनाएंगे हम उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई में हमें क्या करना है, उल्टी सिलाई में हमें उल्टा, पूरा उल्टा बनाना है, ऐसे पूरी उल्टी सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। इसी प्रकार से आपको पूरी उल्टी सिलाई कंप्लीट करनी है। अब उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई हमारी। अब क्या करेंगे, ये देखिए आप, आगे ये देखिए, अब क्या करना है आपको, जो यहाँ पर ये हमने 6 फंदे लिए हैं, इनमें से एक फंदा घटाना है। शुरू करते समय
साइड में ही एक फंदा कम करें और दूसरा फंदा ये देखिए ये सीधा फंदा है। यहाँ पर हम इस साइड जो फंदा हमने घटाया है वो यहाँ पर बढ़ाएंगे। इस प्रकार से बनाइए, आगे धागा रख के इस फंदे को पीछे की तरफ बनाइए। अब पीछे धागा रखे हुए आगे की तरफ बनाइए, ऐसे पीछे धागा रखिए और आगे की तरफ बनाइए इस ऐसे, जिससे हमारी जाली बन जाएगी। और यहाँ पर पांच फंदे हम सीधे बनाएंगे, दो चार, यानी कि 11 फंदे हैं, तो इसमें चार चार फंदे हम दोनों साइड बनाएंगे और बीच में तीन फंदों का एक बनाएंगे। यहाँ पर चार इधर हो गए, आठ, और बीच में तीन फंदे। बीच वाले फंदे के साथ दोनों साइड से एक एक फंदा मिलाकर तीन फंदों का एक बनाइए, ऐसे। और फिर ये चार फंदे आगे बनेंगे, ये चार फंदे उल्टे बनाए। अब आगे धागा रखे हुए ही हम इस सीधे फंदे को पीछे की तरफ बनाएंगे, ऐसे। और पीछे धागा रखे हुए इस उल्टे फंदे को आगे से बनाएंगे, ऐसे, ये देखिए ऐसे। अब फिर यहीं पर चार फंदे बनाएंगे, एक फंदा हमने ये बनाया पीछे धागा रखे हुए और तीन फंदे, ये चार फंदे हो गए। अब इन तीन फंदों में से एक बनाएंगे, इस फंदे में जो हमने घटाया था वो यहाँ पर बढ़ा दिया, और जो यहाँ पर घटाएंगे अभी हम उसका यहाँ पर बढ़ा दिया और यहाँ पर बढ़ाएंगे, इसके दोनों साइड हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। जो फंदे हम घटा रहे हैं उसके साथ साथ हम बढ़ा भी रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। जाली डालते समय आप अगर हमने यहाँ पर घटाया है तो यहाँ पर हम बढ़ाएंगे। अब ये धागा देखिए मेरा इधर है और ये सीधा फंदा है, इस सीधे फंदे को मैं पीछे की तरफ बनाऊंगी ऐसे, तो ये हमारा जाली बढ़ जाएगा। और पीछे की तरफ रखते हुए इसको मैं आगे की तरफ बनाऊंगी, फिर एक जाली फिर बन जाएगी। इसी एक फंदे के ऊपर हमने दोनों जाली बनाई है, दो जाली इधर बनाई, तो यहाँ पर हम एक फंदा कम करेंगे, ये पीछे वाले दोनों में से एक करेंगे, ये देखिए। अब उल्टी सिलाई में हमें पूरी उल्टी सिलाई ऐसे ही बनानी है और इसी प्रकार से हमें फंदे घटाने हैं। ये उल्टी सिलाई इसी प्रकार बनेगी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो फंदे हमने आगे और पीछे से बनाए हैं, ये जाली वाला, ये धागा ऊपर से गया हुआ है, जो ये जाली का फंदा है, इसको हम इस प्रकार से बना लेंगे, इसको उतार के छोड़ना नहीं है, इसको इस प्रकार बनाना है। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हमारे फंदे कम हो जाएंगे, और इन धागों को हम साथ बनाएंगे तो हमारे फंदे पूरे रहेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इसी प्रकार से हर एक बार घटाते जाना है। मैं ये उल्टी सिलाई बनाकर दिखाती हूँ, ये देखिए। जो अब हम ये जाली का फंदा बढ़ाएंगे, इस फंदे को हमने सीधा बनाना है। यहाँ पर जितने भी फंदे हम जाली के बढ़ाएंगे उन सब फंदों को हम सीधा बनाएंगे ऐसे, और जाली हमेशा इसी एक फंदे के ऊपर डालेंगे। यहाँ पर आगे धागा किया, जाली बनाई, फिर आगे धागा किया, इस फंदे को हमने सीधा बनाना है तो इसको हम आगे से ही जाली बना देंगे ऐसे। जितने फंदे हमारे जाली वाले बनेंगे उन फंदों को हमने
सीधा बनाना है। यहाँ पर देखिए, अब हर बार तीन का एक करना है, ऐसे तीन फंदे लिए और एक फंदा बनाया, फिर ये दो फंदे उल्टे, फिर ये जाली वाले फंदे हैं तो इन फंदों को हम सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करेंगे, फिर यहाँ पर जाली बनाएंगे, फिर आगे धागा किया, फिर यहाँ जाली बनाई, एक फंदा ये पहली बार का है, इसको सीधा बनाएंगे। अब ये हमारे यहाँ पर फंदे कम होते जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर फंदे कम होते जाएंगे और यहाँ पर दोनों साइडों में फंदे बढ़ते जाएंगे। जैसे अब तीन फंदे बन गए यहाँ पर, पहले दो थे जाली वाले, अब एक ये और बढ़ गया, अब इन सब फंदों को हम सीधा बनाएंगे। अब आगे इसी प्रकार से बनाना है, ये दो फंदे सीधे उल्टे बनाए और इन तीन फंदों का एक बनाया, ऐसे फिर दो फंदे उल्टे, ये दो फंदे सीधे, आगे धागा किया और इस प्रकार से बनाया, फिर आगे धागा किया, फिर सीधा बनाया। ये अब हमारे तीन तीन फंदे सीधे बनेंगे। और इधर का घटाना ना भूलें, क्योंकि हमने यहाँ पर बढ़ाया है इस डिब्बी में, तो आधी डिब्बी हमारी इधर चलेगी, इसलिए यहाँ पर घटाई जरूर करें, एक एक फंदा हमेशा घटाते रहें। जैसे हम यहाँ पर तीन फंदों का एक बनाते हैं, तो उसका एक इधर का है, एक फंदा इधर का है, तो उसी का एक फंदा हम यहाँ भी घटाएंगे। इधर बढ़ाया है तो इसका फंदा यहाँ घटाएंगे। अब उल्टी सिलाई मैं उल्टी कंप्लीट करती हूँ। अभी उल्टी करके फिर मैं आपको दोबारा बताऊंगी। ये देखिए मैंने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है और जो जाली के फंदे बढ़ाए हैं मैंने, वो सीधे बनते गए हैं। बहुत ही सुंदर डिजाइन बनेगा, आप ट्राई कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर एक फंदा बचा है, अब ये बाकी जो फंदे हमारे हैं ये सीधे बन गए, ये सीधे बनाए, यहाँ पर जाली बनी जैसे पहले बनाई थी और ये जाली के बड़े हुए फंदे सब सीधे बने। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमारी डिब्बी ख़त्म हो गई है, यहाँ तीन फंदे बचे हैं, इन तीनों का हम एक फंदा बनाएंगे यहाँ पर और फिर आगे नई डिब्बी शुरू होगी। इस प्रकार से तीनों का एक फंदा बनाया, पीछे धागा किया और ये सब सीधे फंदे बनाए। वापिस हमारे यहाँ पर वही, ये देखिए नौ फंदे बन गए, एक ये इधर से जाली वाला हो गया 10 और एक यहाँ पर जाली का बनेगा, वही वापिस 11 फंदे बन गए। इनको हम अगली बार उल्टा बनाएंगे। इसी प्रकार से हमारी सब डिब्बियाँ बनेंगी। अब मैं एक बार और आपको बनाकर दिखाती हूँ कि इस डिब्बी को हमने कैसे शुरू करना है। ये देखिए इसी प्रकार से बनाइए, बहुत ही सुंदर डिजाइन बनेगा, आप इसको बॉर्डर में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे सब फंदे सीधे हो गए हैं। अब दोबारा डिब्बी कैसे शुरू करेंगे ये मैं उल्टी सिलाई उतार के बताऊंगी। ये उल्टी सिलाई बनाकर फिर मैं बताती हूँ अब दोबारा हमें डिब्बी कैसे शुरू करनी है। ये देखिए ये हमारी डिब्बी अब कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी डिब्बी हम कैसे शुरू करेंगे ये चीज़ देखिए आप, जो जैसे हमने यहाँ से किया था उसी प्रकार से लीजिए। पहले हम यहाँ दो का एक बनाएंगे, ये चार फंदे
हम उल्टे बनाएंगे ऐसे, फिर वैसे ही जैसे नीचे से हमने जाली बनाई थी उसी प्रकार इसके ऊपर से जाली बनाएंगे। धागा अपनी तरफ रखिए और इस प्रकार से जाली बनाइए, फिर पीछे धागा रखते हुए यहाँ पर ये जाली बनाइए। एक बार फिर यहाँ पर हमारी डिब्बी उल्टी शुरू होगी और यहाँ पर वही तीन का एक बनाएंगे। एक फंदा यहाँ बढ़ गया है तो हम यहाँ पर तीन का एक बनाएंगे यहाँ पर। इस प्रकार से हमने डिब्बी को शुरू करना है। अब फिर यहाँ चार फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ और इस फंदे को ऐसे बनाइए, फिर पीछे धागा रखते हुए इस फंदे को ऐसे बनाइए, वही चार फंदे यहाँ पर बनाइए। ये चार फंदे बन गए और अब इन तीन का एक बनाइए, फिर ये देखिए यहाँ पर फिर हम चार फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर आगे धागा रखते हुए इस फंदे को भी ऐसे ही जाली बनाएंगे। इसी प्रकार से बनाइए और हाफ डिब्बी बनती रहेंगी। डिब्बी के ऊपर है इसी प्रकार से डिब्बी चलेगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे बड़ी ज़रूरी बात, आपको सब बहन भाइयों को